मैं पूछती हूँ, किस बात की इतनी खुशी है, इतना एंजॉयमेंट हो रहा है आप लोग का? ज़्यादा नंबर आ गए हैं? दिस सेक्शन इज़ द वर्स्ट सेक्शन। बाकी सेक्शन के बच्चे कम से कम इतना तो रखते हैं कि अगर टीचर आ जाए ना तो वो चुप हो जाते हैं। आप लोग का सेक्शन देख रहा है टीचर आ रही है जा रही है, कोई मतलब नहीं। इतना एंजॉय कर रही है आपकी क्लास, पता नहीं क्या एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। पिकनिक में आए हैं स्कूल ना आके, पिकनिक ऐसे पिकनिक ले गए हैं हम आप लोग को। एक जो रूम है आपका पिकनिक स्पॉट है, मस्ती नहीं ख़त्म हो रही है एकदम। भाग रहे हैं भाई, भाग रहे हैं, ग्राउंड है ये। और इस क्लास की लड़कियां, आई एम शॉक्ड। अब पढ़ने में 0/0। इस क्लास का टॉपर जो है वो बाकी सेक्शंस के जो टॉपर्स हैं ना उनके तो आसपास भी नहीं है। वहाँ के एवरेज बच्चे यहाँ के टॉपर हैं, और यहाँ के एवरेज बच्चों अपना लेवल सोच लो। टीचर नहीं है क्लास में, कुछ पहले का निकाल के जो कल पढ़ाया था वो निकाल के रिवाइज नहीं कर सकते हैं क्यों साक्षी? बहुत हंसी आ रही थी तुम्हें, व्हाट वाज दैट फनी? हम अब कुछ बोल दो, हम नहीं थे, ये थे। किसी को अपोलोजाइज नहीं करना है, सॉरी नहीं बोलना है। अभी भी कुछ बच्चों को हंसी आ रही है, मैं तो जोक सुना रही हूँ, मैं तो जोक सुना रही हूँ। स्टैंड अप, क्यों हंसी आ रही है इतनी? इधर आओ, इधर आओ। क्यों भाई, क्या हुआ, क्यों इतनी हंसी आ रही हो? वॉट सॉरी? मैं सॉरी बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे पता है आप लोग में से कोई सॉरी फील ही नहीं कर रहा है अभी, आपके फेस से पता लग रहा है। तो सॉरी बोल के फॉर्मेलिटी करना तो आप लोग सबसे पहले बंद कर लो। हंसी क्यों आ रही है? जब रिजल्ट आएंगे ना तो मुझे हंसी आएगी। लाइक दिस आई कैंट टीच योर क्लास, मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ आप लोग को। आप लोग ज़्यादा होशियार हैं, ट्यूशन्स माँ बाप ने दे ही रखा है ना, तो पास तो आप हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पास आप हो जाएंगे, और पास से ज़्यादा आपको होना नहीं है। आपका मेन मोटिव क्या है स्कूल आने का? क्लासेस हो, पेपर हो, हम पास हो जाए, ट्यूशन पढ़ के पास हो जाएगी, फिर कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल आने की। और कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है इन लोग का आपस में, ये हर टेबल पे मुझे एक बुक दिख जाती है मैथ्स की। क्यों, एक ही बच्चा लाता है मैथ्स की बुक? एक ही बच्चा लाता है ना मैथ्स की बुक? फ्रॉम टुमारो या तो आप लोग अपना कोई दूसरा टीचर ढूंढ लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। और अगर मुझसे पढ़ना है तो कितनी भी मोटी बुक हो मैथ्स की, सबके पास होनी चाहिए डेली, चाहे आपका पीरियड एक ही दिन, बस मैथ्स का पीरियड नहीं होता है, उस दिन भी चाहिए, क्योंकि मैं एक ना एक पीरियड आपका अरेंजमेंट ले लेती हूँ। और ये चीज़ है, एक काम करिए, डायरी निकालिए अपनी, डायरी निकालिए,